आप सबको तो पता ही है दोस्तों कि आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आज हमको शेरखां के पास जाना है और उसे क्लियर करना है कि शेरखां जंगल में हमारा हिस्सा चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ दोस्तों कि आज शेरखां के पास चलते हैं और उसे कहते हैं कि शेरखां हमें जंगल में अपना हिस्सा चाहिए, हम उससे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस हिस्सा। हाँ दोस्तों आपकी बात सही है, हम कैसे डर डर के रहें, ना हम पानी पी पाते हैं और ना हम खाना खा पाते हैं, इसीलिए आज हमें चलना चाहिए और क्लियर करना चाहिए। आप सब चलो हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, शेरखां से बात हम करेंगे, बस आप हमारे साथ चलो और हम शेरखां से बात करेंगे। बहुत हुआ दोस्तों, हमें खाना भी नहीं मिलता और पानी भी नहीं मिलता, हम भी चलेंगे। आज हम बहुत खुश हैं दोस्तों कि आप हमारे साथ हो, हम सब साथ मिलकर जाएंगे और शेरखां से बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आप हमारे साथ चल रहे हो और यह इलाका बहुत खतरनाक है, यहाँ शेरखां का डर है, यहाँ भेड़िया भी रहते हैं, यहाँ कई तरह के जानवर हैं, तो आप सतर्कता से चलना और ध्यान से चलना, मेरी बात मान। आपने देखा यह कितना खतरनाक इलाका है, ये शेरखां का इलाका आ गया है, तो धीरे से चलना। गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, आज तुम शेरखां के इलाके में, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिल रहा है तुम्हें देख के मेरे यारों, मेरे दोस्त, आज मन को सुकून मिल गया कि तुमने शेरखां की बात मानी और मेरे इलाके में आए। आपने जो हमारा स्वागत किया है शेरखां, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम भी आपसे मिलने के लिए उत्सुक थे शेरखां, आपने बुलाया है तो कोई काम ही होगा और हमें भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोल तो ऐसा रहा है मेरा दोस्त हाथी कि मेरे बिना उसका कोई काम ही नहीं होता, तो शेरखां आप सबसे माफ़ी मांगता है कि आज जंगल के बारे में फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि शेरखां का बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मुझे वहां जाना है, तो प्लीज़ आज नहीं। शेरखां हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे दिन सुनवाई।